that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we will discuss about gases, which is the last state of matter. So let's start. So gases means, हम लोगों को gases का नाम सुन के लगता है कि we are talking about oxygen, hydrogen, air. तो yes, वही सब होते हैं gases की category में. Gases में, as it is one of the states of matter, उसमें भी molecules लोग present रहेंगे, atoms present रहेंगे. So they are present like this. अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या mind करेंगे यहाँ पर? कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. वो लोग एक दूसरे से ना बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स. इफ़ दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर आप लोग स्पेस देखो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को स्पेस देखने को मिल रहा है. किसके बीच का स्पेस देखने को मिल रहा है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है ना बहुत ज़्यादा है. तो जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. सो हियर आई हैव रिटन, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन गैस इज मैक्सिमम. मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा होता है. इफ़ मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सोचो एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर, क्या दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है? लाइक बहुत दूर है ना ये लोग, कहाँ से ये लोग इस टाइप से पकड़ के रखेंगे अपने आप को? नहीं पकड़ के रख पाएंगे. वाई? बिकॉज दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो इसके लिए हम लोग लिखे हैं, इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट, मतलब मिनिमम, ना के बराबर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, दे हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी कि अच्छा, अगर आप लोग सामने माइंड करो, ऑब्वियसली हवा तो हम लोग के चारों तरफ है, क्या आप लोगों को कोई भी गैस लाइक विजिबल है, दिख रहा है? नहीं दिखता है ना गैस. ऑक्सीजन गैस नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा. अगर वो लोग दिखेंगे नहीं तो इनका शेप के बारे में हम लोग को कुछ आइडिया मिलेगा? नहीं मिलेगा. और एक चीज़, ये जो गैसेस होते हैं ना, इनका कोई भी शेप एक्चुअली होता ही नहीं है. ना ही इनका कोई फिक्स शेप होता है, ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, सो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना कि दे हैव नीदर अ फिक्स शेप, ना ही उनका कोई फिक्स शेप होता है, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. लेकिन अगर मैं एक कंटेनर के अंदर में ढक्कन खोल के लाइक गैस फिल करके ढक्कन बंद कर दूंगी, तो वो जो गैस है ना वो कंटेनर के कोने कोने में लाइक घुल जाएगा, मीन्स वो ऑक्यूपाई कर लेगा द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू इट. सो यहाँ पर लिखा गया है, दे टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे आर कैप्ट इन. जिस भी कंटेनर को हम लोग, कंटेनर के अंदर हम लोग गैस को रखेंगे, वो उसी का शेप ले लेगा और उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा. सो लेट्स डिस्कस इट्स पॉइंट्स वन बाय वन विथ रीजन. सो पहला पॉइंट, गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है. तो इसका रीजन भी है, सेम चीज है. देखो, अगर हम लोग कोई भी गैस का बात करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर अगर मैं एक गैस का बात कर रही हूँ लाइक दिस. सो गैस में देखो मॉलिक्यूल्स लोग, दे आर वेरी लूजली पैक्ड. वेरी लूजली पैक्ड मीन्स वो लोग बहुत दूर दूर होते हैं. अगर वो लोग दूर दूर होते हैं तो क्या ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा. सो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से दिस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव. इनके ऊपर में कंट्रोल ही नहीं है किसी का. ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स लोग आराम से यहाँ वहाँ यहाँ उधर इधर कहीं भी ये लोग घूम पाते हैं. एक और रीज़न हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि इनके बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए दे आर फ्री टू मूव. दे डोंट हैव एनी डेफिनाइट शेप एंड डोंट हैव एनी डेफिनाइट वॉल्यूम. सेकेंड इज, दे हैव मैक्सिमम फ्लूडिटी. ये लोग बहुत अच्छे से फ्लो कर सकते हैं. फ्लूडिटी मीन्स व्हाट? फ्लो करना. सो लिक्विड्स में हम लोग पढ़े थे कि लिक्विड्स लोग आराम से फ्लो कर सकते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे से गैसेस कैन फ्लो. तो यहाँ पर मैं ऐसे भी पॉइंट लिख सकती थी कि गैसेस कैन फ्लो मोर इजिली एज कम्पेयर टू लिक्विड. तो इसका रीज़न वही होगा कि मॉलिक्यूल्स लोग बहुत दूर हैं, इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हो, की वजह से द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली from one place to another place. So for this I have written, as molecules are very loosely packed, they have large intermolecular space and negligible intermolecular force of attraction, they can move very easily, और उनका fluidity बहुत ज़्यादा होता है. बोल सकते हो कि तीनों state में से gases का maximum fluidity होता है, उसके बाद liquid का, और solid का तो छोड़ दो, ना के बराबर है. देन नेक्स्ट इज, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेज लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं. देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर एक गैस है, गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लोग लूजली पैक्ड, इधर उधर वो लोग प्लेस्ड होते हैं. अगर सोच लो मैं बाहर से इनको कंप्रेस कर रही हूँ, मैं प्रेशर दे रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ काफ़ी स्पेस होता है. सो मॉलिक्यूल्स लोग क्या करते हैं ना, पास पास आ जाते हैं, और
अगर हम लोग गैस को ऐसे कंप्रेस करते हैं, एज बीच में काफ़ी सारा स्पेस है, वो लोग बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। तो इसका रीज़न है कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल। और एक चीज़ जो कि शायद आप लोगों की बुक में मेंशन किया होगा, कभी भी ये चीज़ को आप लोग याद रखना, कभी भी अगर आप लोग कोई भी गैस को ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, बाहर से लाइक प्रेशर दे रहे हो, एकदम ज़ोर से प्रेशर दे रहे हो, सो मॉलिक्यूल्स लोग पहले तो बहुत दूर थे, अभी कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो वो लोग थोड़े से लाइक अगर वो लोग ऐसे दूर दूर में थे ना, तो वो लोग ना ऐसे थोड़े से पास पास आ जाएंगे। जहाँ वो लोग ऐसे दूर दूर थे, वो लोग अभी थोड़ा पास पास आ गए हैं और वो लोग कुछ इस टाइप से दिखेंगे। मॉलिक्यूल्स लोग दूर दूर थे, वो लोग आ गए पास पास, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, अभी आप लोग याद रखो, अभी आप लोग याद करो, इस टाइप के अरेंजमेंट किस में देखने को मिलते हैं, लिक्विड में ना। सो याद रखना, गैसेस को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो लोग बदल जाते हैं लिक्विड में। किस में बदल जाएंगे, लिक्विड में। इसीलिए हम लोग जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, घर में जो सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस को लिक्विफाई किया जाता है, मतलब वो गैस ऐसे रहता है, उसमें प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डाल के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग सोचते तो होंगे, या फिर शायद नहीं सोचते होंगे, तो अब सोचना, हम लोग जो घर में वो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, शायद वो कुछ हाँ इस टाइप से ही वो दिखता है। इसको जब हम लोग ऐसे शेक करते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि हाँ अंदर में ना कुछ लिक्विड लिक्विड जैसा चीज़ है, कुछ पानी पानी जैसा चीज़ है, आवाज़ भी आता है। लेकिन जैसे हम लोग स्टोव का नॉब यहाँ से खोलते हैं गैस के लिए, तो यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ पर पानी पानी जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ से आते वक्त, यहाँ पर जब हम ऑन करते हैं गैस को, तो क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो ये क्यों होता है, तो देखो, जब भी गैस को सिलेंडर के अंदर भरा जाता है ना, तो उसको कंप्रेस किया जाता है, बहुत प्रेशर दिया जाता है। और जब हम लोग कोई भी गैस में हाई प्रेशर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो गैस सिलेंडर के अंदर में गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर गैस का नॉब ओपन करते हैं, खोलते हैं, सो अगर हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पर तो गैस काफ़ी हाई प्रेशर में था इसके अंदर में। जब हम लोग ये नॉब खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है मतलब, सोच लो अभी यहाँ पर बहुत प्रेशर था, इस टाइप से थे वो लोग, प्रेशर कम होगा मतलब फिर से वो लोग अपने ओरिजिनल प्लेस में लाइक वो लोग पीछे पीछे या दूर दूर हो जाएंगे। तो जब यहाँ से गैस यहाँ निकलता है तो वो गैसियस फॉर्म में निकलता है, लेकिन सिलेंडर के अंदर में वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये था ऑल अबाउट एलपीजी गैस। तो यहाँ पर जो एलपीजी गैस हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो मेनली गैस का एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है, दैट इज़ दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस लोग हाईली कंप्रेसिबल होते हैं बोल के हम लोग उनको आराम से घर में यूज़ कर पाते हैं, और भी बहुत सारा उनका यूजेज है अलग अलग तरीके से। देन दे हैव अ वेरी लो डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ, ये तीन एग्जाम्पल लाइक दिखा के। यहाँ पर तीनों का सेम वॉल्यूम है, बट तीनों में अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे तो सबसे कम किधर आ रहा है, सबसे कम गैस में आ रहा है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम है तो इनका वजन भी कम होगा। दैट्स वाई हियर आई हैव रिटन दैट गैसेज हैव अ वेरी लो डेंसिटी। आप लोग बोल सकते हो लिस्ट डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो सबसे कम आएगा डेंसिटी गैसेस का। देन नेक्स्ट इज गैसेस डिफ्यूज वेरी इजीली। गैसेस लोग एक दूसरे में बहुत आराम से डिफ्यूज कर लेते हैं, चाहे हम लोग कितना भी गैसेस को ले लें, जितने भी गैसेस को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो वो लोग बहुत ही इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। सो इसका रीजन ये है बिकॉज कि गैसेस में हाई या लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस देखने को मिलता है। लाइक गैसेस में देखो बहुत स्पेस होता है। अगर ये गैस को मैं दूसरे गैस के साथ मिक्स करूंगी तो ऑब्वियसली ये गैस में भी देखो बहुत स्पेस है, ये गैस में भी बहुत स्पेस है। जब मैं दोनों को मिक्स करूंगी तो दोनों के मॉलिक्यूल्स लाइक एक दूसरे का स्पेस में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में एक दूसरे का एकदम घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, एंड हम लोग वहाँ पर बोल सकेंगे कि यस गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी इजिली। गैसेस लोग बहुत ही इजिली डिफ्यूज करते हैं। अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग एक इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को रूम का एक कॉर्नर में जला के रखेंगे, तो देखना उसका स्मेल उस रूम में खड़े हुए आदमी को जो दूसरा कॉर्नर में खड़ा है उसको वहाँ तक आ जाएगा, और बहुत ही कम टाइम में। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एनवायरनमेंट में हवा है, और वो जो धुआं निकल रहा है, लाइक जो सेंट निकल रहा है इंसेंस स्टिक से, वो भी गैसियस फॉर्म में, वो गैस और हवा
दोनों डिफ्यूज़ हो रहे हैं बहुत ही इजीली, बिकॉज दोनों गैसेस हैं, दोनों में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सो गैसेस लोग सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं, याद रखना। अगर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को कंपेयर करेंगे तो गैसेस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। सॉलिड तो सोच लो ना के ही बराबर है। सो द लास्ट पॉइंट इज गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जैसे कि सोच लो ये एक ठो कंटेनर है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर में मैं गैस को रखी हूँ। सोच लो इसके अंदर में ये गैस के पार्टिकल्स लो, ये तो काफ़ी पास पास बन गया, थोड़ा दूर बनाते हैं इसको हम लोग, प्रेजेंट है। सो एक चीज़ याद रखोगे, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो लोग ना हमेशा ऐसे इधर उधर वो लोग घूमते रहते हैं। वो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, एनर्जी के चक्कर में, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। वो लोग कहीं कोई भी डायरेक्शन में वो लोग मूव कर सकते हैं, वो लोग मूव करते ही हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लाइक अगर एक वाला इधर गया तो सब इधर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके पास इतना एनर्जी होता है कि ये कभी कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कहीं भी ये लोग मूव करते हैं। और जब ये लोग ना ऐसे इधर उधर 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 जब ये लोग मूव करते हैं, तो पता है क्या होता है, ये लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एंड उसके साथ साथ दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये वाला मॉलिक्यूल ये दीवार के साथ टकराया, ये वाला इसके साथ टकराया, एक दूसरे के साथ टकराया। सो यहाँ पर बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, ये चीज़ तो आप लोग हर जगह काम आएगा, लाइक याद रखना कि मॉलिक्यूल्स के गैसेस के पास हाई एनर्जी होता है, बहुत एनर्जी होता है, जिसकी वजह से दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। वो लोग हर डायरेक्शन में इधर उधर खाली घूमते रहते हैं, और जब वो लोग इधर इधर घूमते हैं तो वो लोग एक दूसरे के साथ लाइक ऐसे टकराते हैं, और साथ साथ वो लोग दीवार ऑफ द मीन्स वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लोग उनको रखे हैं, वो लोग उसके साथ भी टकराते हैं। और जब वो लोग उसके साथ टकराते हैं, लाइक सोचो ये कंटेनर है और ये मेरा जो लाइक जो फिस्ट है, ये मॉलिक्यूल है, जब वो इसके साथ लाइक ऐसे टकराया, देखो प्रेशर मार रहा है, ऐसे प्रेशर मार रहा है हाथ में ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जब दीवार में टकराते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर हर जगह लाइक प्रेशर मारते हैं। तो इसको हम लोग देख के बोल सकते हैं कि यस, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसेस लोग जिस कंटेनर में हम लोग उसको रखते हैं, उसका वॉल में वो लोग प्रेशर एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब मारना, प्रेशर वो लोग एग्जर्ट करते हैं। सो दीज वेयर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ गैसेस। तो हम लोगों का अभी तक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कंप्लीट हो गया है, मींस मेनली उनका जितने भी पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर, सो उससे रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो डू आस्क मी, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट रखिए, मैं आप लोगों का डाउट सब सॉल्व करूंगी। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग माय ऑल बायो वीडियोस, बिकॉज उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब इट, और साइड में एक बेल बटन रहता है, उसको आप लोग हिट करेंगे, एंड लाइक एंड शेयर माई